सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग की तरफ से इंडिया में लॉन्च किए गए एक और नए स्मार्टफोन के बारे में, जो कि आपको सैमसंग के गैलेक्सी एम सीरीज के अंदर देखने को मिलेगा। और अगर हम यहां पर थोड़ा सा गैलेक्सी एम सीरीज की बात करें तो पहले के जमाने में हमें गैलेक्सी एम सीरीज के अंदर इतना ज्यादा अच्छा स्मार्टफोन देखने को नहीं मिलता था। मेरा मतलब ये कि पहले हमें गैलेक्सी एम सीरीज के अंदर जितने भी स्मार्टफोन देखने को मिलता था वो अपने प्राइस के हिसाब से इतना ज्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन नहीं था। लेकिन भाई, जब से गैलेक्सी एम सीरीज के अंदर गैलेक्सी एम 51 लॉन्च हुआ है, तब से भाई गैलेक्सी एम सीरीज का पूरा रंग रूप बदल चुका है। क्योंकि मैं पर्सनली आज तक गैलेक्सी एम 51 को यूज करता हूं, मुझे भाई ये स्मार्टफोन बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आज तक मुझे इस स्मार्टफोन के अंदर कोई भी कमी देखने को नहीं मिला है। कुल मिला के बात करें तो गैलेक्सी एम 51 गैलेक्सी एम सीरीज का एक आइकॉनिक ऑलराउंडर स्मार्टफोन है, जो कि आपको अंडर 25,000 में देखने को मिला था। लेकिन उसके बाद अगर हम गैलेक्सी एम 52 की बात करें तो ये भी भाई अपने प्राइस के हिसाब से एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन था, लेकिन इसमें आपको 5G देखने को मिला था। लेकिन आज हम जिस स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाले हैं, इसका नाम है द ऑल न्यू सैमसंग गैलेक्सी एम 53 5G। ये भी भाई एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन है, लेकिन M51 और M52 के कंपैरिजन में यहाँ पर आपको थोड़े बहुत कमियां देखने को मिलेगा। और आज के इस वीडियो में मैं आपको सैमसंग गैलेक्सी M53 के बारे में सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसी के साथ आप नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल कर दीजिए, ताकि सबसे पहले मेरा नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। और पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के एपिसोड। सबसे पहले डिस्प्ले, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो भाई ये सैमसंग का स्मार्टफोन है। दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, लेकिन सैमसंग कभी भी अपने मिड रेंज स्मार्टफोन में आपको ग्लास बैक के साथ मेटल फ्रेम नहीं देगा। ये भाई एक बहुत लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सपना है। देखते हैं सैमसंग कब ये सपना को पूरा करता है। लेकिन अभी के लिए अगर हम गैलेक्सी एम 53 के बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इसके अंदर भी आपको प्लास्टिक के फ्रेम के साथ प्लास्टिक का ही बैक देखने को मिलेगा। लेकिन क्योंकि ये सैमसंग का स्मार्टफोन है, इसलिए आपको थोड़ा सा प्रीमियम क्वालिटी का प्लास्टिक देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बाद अगर हम डिजाइन की बात करें तो भाई मुझे इसका डिजाइन इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसका जो डिजाइन है ये आपको पूरा का पूरा सैमसंग गैलेक्सी F62 जैसा देखने को मिलेगा, जहां पर आपको पीछे की तरफ एक स्क्वायर कैमरा मॉड्यूल के अंदर आपको क्वाड कैमरा देखने को मिलेगा, और उसी के नीचे आपको सैमसंग का एक छोटा सा ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा। मतलब पीछे की तरफ आपको बहुत ही सिंपल सा बेसिक डिजाइन देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बाद अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो भाई सैमसंग का स्मार्टफोन है, डिस्प्ले आपको यहां पर नो डाउट बहुत ही कमाल का देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर आपको 6.7 इंचेस का फुल एचडी प्लस वाला सुपर एमोलेड प्लस वाला डिस्प्ले मिलेगा, जहां पर आपको 120 हर्ट्ज के हायर रिफ्रेश रेट के साथ 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट देखने को मिलेगा। उसी के साथ ये एक HDR 10 प्लस सर्टिफाइड डिस्प्ले है, जहां पर आपको वाइड एंगल L1 का भी सपोर्ट भी मिलेगा। और उसके बाद अगर हम ब्राइटनेस की बात करें तो यहां पर आपको 800 nits का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेगा। उसी के साथ यहां पर अगर हम प्रोटेक्शन की बात करें तो यहां पर आपको सामने की तरफ गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। मतलब मैं ये वीडियो जिस टाइम पर बना रहा हूं, उस टाइम पर ये स्मार्टफोन लॉन्च नहीं हुआ है, शायद इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 5 भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है कि शायद यहां पर आपको गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। उसी के साथ यहां पर आपको सेंटर में एक छोटा सा पंचोल देखने को मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो भाई गैलेक्सी एम 52 के अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 778G वाला चिपसेट देखने को मिला था। और यहां पर अगर हम गैलेक्सी एम 53 की बात करें तो भाई ऑब्वियसली यहां पर आपको थोड़ा सा अपग्रेड देखने को मिलेगा। यहां पर आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 वाला चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि एक 6 नैनोमीटर वाला ऑक्टाकोर चिपसेट है, जो कि 2.4 GHz क्लॉक स्पीड पर काम करता है। अच्छे खासे गेमिंग के लिए यहां पर आपको आर्म माली G68 MC4 का GPU भी मिलता है। मतलब चाहे डे टू डे यूजेस के लिए हो या फिर हार्डकोर गेमिंग के लिए हो, यहां पर आपको कोई भी लैग जिटर या फिर कोई भी हीटिंग इशू देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बाद अगर हम एंड्रॉइड एंड ओएस की बात करें तो यहां पर आपको गैलेक्सी एम 53 के अंदर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ One UI 4.1 देखने को मिलेगा। और उसके बाद अगर हम रैम एंड स्टोरेज टाइप की बात करें तो यहां पर आपको LPDDR4X के रैम के साथ UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप देखने को मिलेगा। कुल मिला के बात करें तो भाई प्राइस के हिसाब से यहां पर आपको परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल का देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बाद अगर हम कैमरास की बात करें तो यहां पर आपको गैलेक्सी M51 और M52 के कंपैरिजन में जितना अपग्रेड देखने को मिलेगा,
कई गुना ज्यादा आपको डाउनग्रेड देखने को मिलेगा, क्योंकि M51 और M52 के अंदर आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिला था, लेकिन यहां पर आपको गैलेक्सी M53 के अंदर 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन उसके बाद M51 और M52 के अंदर आपको 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा और 5-5 मेगापिक्सल का डेप्थ और मैक्रो कैमरा देखने को मिला था, लेकिन भाई यहां पर गैलेक्सी M53 के अंदर उसके बाद आपको पूरा पूरा रियलमी और साउमी की जैसा कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। मेरा मतलब ही कि यहां पर आपको 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा मिलेगा और उसके बाद आपको 2-2 मेगापिक्सल का फालतू का डेप्थ और मैक्रो कैमरा देखने को मिलेगा। इस तरह का काम भाई सैमसंग ने क्यों किया, ये तो भाई सैमसंग को ही मालूम है। लेकिन उसके बाद अगर हम फ्रंट कैमरा की बात करें तो यहां पर आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो रियर कैमरा से आप 4K 30fps पे और फुल HD 30fps पे और 60fps पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे, और फ्रंट कैमरा से अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो फ्रंट कैमरा से भी आप 4K 30fps पे और फुल HD 30fps पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। लेकिन उसके बाद अगर हम बैटरी एंड चार्जिंग की बात करें तो यहां पर आपको ना ही कोई अपग्रेड देखने को मिलेगा, ना ही यहां पर आपको कोई डाउनग्रेड देखने को मिलेगा। यहां पर आपको पूरा का पूरा गैलेक्सी M52 की तरह बैटरी सेटअप देखने को मिलेगा। मेरा मतलब ये कि यहां पर भी आपको वही 5000mAh का एक डिसेंट बैटरी कैपेसिटी देखने को मिलेगा, लेकिन भाई क्योंकि यहां पर आपको सुपर एमोलेड का डिस्प्ले मिलता है, ऊपर से आपको 6 नैनोमीटर का चिपसेट मिलता है, इसलिए भाई ये स्मार्टफोन आराम से आपको एक दिन का या फिर 1.5 दिन का बैटरी बैकअप निकाल के दे देगा। लेकिन फिर भी अगर आपका बैटरी होगा तो यहां पर आपको आउट ऑफ द बॉक्स सैमसंग का सुपर फास्ट वही 25 वाट का चार्जर देखने को मिलेगा। यहां पर अगर 33 वाट का चार्जर होता तो और भी बेहतर होता, लेकिन भाई सैमसंग भाई है तो थोड़ा तो भाई सैमसंग गंजूसी करेगा ही करेगा। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो यहां पर नीचे की साइड में आपको USB टाइप सी पोर्ट मिलेगा, और जो सबसे बड़ा झटका मुझे यह लगा कि यहां पर आपको 3.5mm ऑडियो जैक देखने को नहीं मिलेगा। ऑडियो आउटपुट की बात करें तो यहां पर आपको सिंगल स्टूडियो स्पीकर देखने को मिलेगा। कलर वेरिएंट की बात करें तो यह स्मार्टफोन आपको 3 कलर वेरिएंट में देखने को मिलेगा, ग्रीन कलर में, ब्राउन कलर में और ब्लू कलर में। बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी की बात करें तो यहां पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। फाइनली अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो उससे पहले मेरे भाई लोग मेरे बात को थोड़ा ध्यान से सुन लो, मैं ये वीडियो जिस टाइम पर बना रहा हूँ उस टाइम पर ये स्मार्टफोन लॉन्च नहीं हुआ है। मेरा मतलब ये कि जब ये स्मार्टफोन लॉन्च हो जाएगा तब इसका वेरिएंट्स और एक्चुअल प्राइसिंग के बारे में मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगा। लेकिन अभी के लिए मेरा जो गट फीलिंग है, मुझे ये लगता है कि ये स्मार्टफोन आपको 2 वेरिएंट में देखने को मिलेगा, 6GB RAM + 128GB और 8GB RAM + 128GB। प्राइसिंग की बात करें तो मुझे भाई डेफिनेटली ये लगता है कि इसका जो दोनों वेरिएंट है ये आपको 25 से 30 हज़ार के आसपास देखने को मिलेगा। 30 हज़ार के ऊपर ये स्मार्टफोन डेफिनेटली नहीं जाएगा, क्योंकि 30 हज़ार के ऊपर आपको सैमसंग का ही गैलेक्सी A52s देखने को मिलता है, जो कि इसके कंपैरिजन में थोड़ा बेहतर स्मार्टफोन है। सो गाइस, ये था पूरा कहानी सैमसंग गैलेक्सी M53 के बारे में। आपको क्या लगता है ये स्मार्टफोन के बारे में मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो भाई प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर कीजिए, लेकिन भाई जाते जाते प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस, बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय।